देखिए, इस आपदा की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू की सरकार उनके अपने प्रयासों के साथ जो लगातार स्वयं भी राहत के कार्यों में बहुत काम कर रहे हैं, और हम सब लोगों को भी निर्देश है कि हम देखो आपके सामने सभी लोग हैं, हमारे SDM साहिब और इनकी पूरी टीम जिन्होंने रात दिन काम किया, हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी आए ढली से, इन्होंने भी लोगों को राशन दिया और वहाँ के सब अच्छे जो दानी सज्जनों ने सोचा कि इस विपदा की घड़ी में हम भी अपना योगदान कुछ दें, तो ये बहुत सराहनीय कदम हैं। जो लोग अलग से, कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे मुझे याद है कि कलकत्ता में एक जगह होती है उसको बोलते हैं अननोन वॉरियर डे, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं बताते हमने क्या दिया, परंतु वो ये ब्रह्मांड में कुछ ऐसा सिस्टम है जो अच्छा काम करो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसे समय पर दान देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एक किसी भी मैं समझता हूँ व्यक्तित्व की निशानी है, और मैं बहुत कोट करता हूँ इस बात को कि अमेरिका क्यों इतना समृद्ध है, वहाँ संपदा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा दान देता है। जब से हम स्टूडेंट रहे मैंने देखा उन्होंने हमेशा स्कूलों को, चाहे वो दूध के ही पाउडर का देते, कुछ भी मैंने देखा, अन्न दान और धन दान और सब कुछ उन्होंने दुनिया के देशों को दिया, तो वो कितने हमसे आगे हैं। इसी प्रकार से हमारे वेदों में भी लिखा है कि हमेशा दान देना, हाथ देने के लिए होते हैं, लेते वक्त रिसीव करते हैं। तो इस समय में जब हमारे लोगों ने इतना अच्छा अपना परिचय दिया है, हमारे ऑफिसर साहबान, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये अपने प्रकार की एक आपदा हुई, ऐसी आपदा पहले लगभग मैं तो 70 सालों में कह सकता हूँ कभी सुनी नहीं। तो जो आज के लोगों को हम लोग यहाँ से दे सके, या पूर्व में जो अभी तक आज से पहले हम तकरीबन 60 परिवारों को ये अनुदान राशि दे चुके, ये लगभग 37 लाख की राशि पहले दे चुके हैं, और आज जो हम यहाँ पे 45 परिवारों को दी, ये 27,40,000 की राशि थी, तो लगभग कुल 65 लाख की अभी तक की हमने इस क्षेत्र में और जो भी प्रभावित परिवार समझे गए हैं उनको दी है। ये क्रम और भी चलता रहेगा, और हम जो भी चिन्हित किए जा रहे हैं, जो जहाँ भी ऐसी आपदा के में जो चपेट में आए हैं, चाहे वो गौशाला हैं, चाहे उनके रहने के मकान हैं, चाहे बहुत बड़ी क्षतिग्रस्त कोई परिवारों की बहुत जगह हुई है क्षति, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है, और ये क्रम अभी और भी जारी रहेगा ताकि जो हम इस वक्त दे सकते हैं लोगों को दे रहे हैं।